शाम ढलने को है। ब्यूटीफुल बरादरी पैलेस पटियाला में आप सबका स्वागत है। बहुत ही खास जगह है, जब आप यहाँ पर आए तो कोशिश कीजिए कि यहाँ पर एटलीस्ट एक रात आप गुजारे, क्योंकि यह है एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम। और बरादरी पैलेस की खूबसूरती देख के मेरी तो सिटी मिट्टी गुल हो गई। लेकिन आप आराम से यहाँ पर आके घूमें, और अगर आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी हासिल करनी हो तो आप यहाँ पर किसी से भी पूछ लें। तो मैंने रिक्वेस्ट किया प्रॉपर्टी के मैनेजर मिस्टर रोहित वोरा को कि हमें इस जगह की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बताइए। रोहित जी, कब बनी, कैसे बनी? सर, ये 19वीं सदी में बनी थी प्रॉपर्टी जी। जिन्होंने बनाई थी उनका नाम था महाराजा यादविंदर सिंह। अभी जो इनके सन हैं, बेटे हैं, वो एक्स सीएम रह चुके हैं यहाँ पे। अच्छा। और इस प्रॉपर्टी के जो मेन सबसे अच्छा पॉइंट जिसको हम बोलते हैं वो है बारादरी। नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर एक 12 दरवाजे हैं, इस वजह से इसका नाम बारादरी पड़ा। तो बारादरी होता था मतलब तीन गेट यहाँ, तीन यहाँ। यस, स्क्वायर में थ्री गेट। क्या बात है। और इसमें हमारे पास 19 कमरे हैं टोटल, जो कि सारे महाराजा और महारानियों के नाम पे हैं। वाह। और इसको रिस्टोर करने में कितना टाइम लगा? क्योंकि ये मैंने सुना है कि बिल्डिंग काफी डिसयूज हो गई थी जब मिस्टर अमरनाथ, जो नीमराना होटल्स के जो देखते हैं, नीमराना होटल्स के जो मैनेजर है, उनके जो ओनर है, उनको शौक है कि ब्यूटीफुल ओल्ड बिल्डिंग्स देखे, उन्हें नया किया जाए, ब्यूटीफुल बनाया जाए। तो कितना टाइम लगा? 5 साल लगे उनको इसको प्रॉपर मेंटेन करके रनिंग में करने के लिए। तो 2009 में हमने सेलिंग स्टार्ट किया था पहले रूम का। क्या बात है। और कितने? 19 रूम 19 कमरे। और खाना आपका बहुत शानदार है। बहुत शानदार है सर, आप ट्राई कीजिए, आपको लगेगा कहाँ आप आए हैं, यहाँ पे रॉयल पटियाला के बारे में आपको पता लगेगा खाने में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट रॉयल पटियाला क्विजीन। यस, आइए आइए। ओह, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेटिंग। नमस्ते, मेरा नाम विभव वर्मा है। आई एम द हेड ऑफ कलनरी एंड फूड एंड बेवरेजेस फॉर नीमराना होटल्स। स्टार्ट करेंगे आज की दावत से, जो बेसिकली रॉयल महाराजास की जो पुरानी जनरेशन की जितनी रेसिपीज हैं वो सारी लाई गई हैं एक प्लेट में, एक जगह पे, जो हमारा नीमराना होटल बरादरी पैलेस पटियाला का जो होटल है उसमें लाया गया है। स्टार्ट करेंगे ट्रेडिशनल लस्सी। वाह। फिर उसके साथ हमारी जो ट्रेडिशनल दाल मखनी जो होती है पंजाबियों की शान, पालक कढ़ी पकौड़ा, पनीर खुरचन, साग, सरसों का साग, भट्टी का मुर्ग, बटर चिकन, मटन बेली राम मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ये असली महाराजा की रेसिपी है जिसके अंदर भुनी हुई मिर्चों का इस्तेमाल किया जाता है। वाओ जी। उसके बाद है हमारा ट्रेडिशनल पुराने ज़माने का मलाई मुर्ग। राइट। मुर्ग खुरचन। राइट। साग गोश्त। इसके साथ में हमारा ट्रेडिशनल तंदूरी चिकन। और स्वीट डिश में जलेबी है। और मीठे के अंदर हमारी केसरी जलेबी, मसाला दूध, उसके साथ में हमारी काजू कतली जो हम लोग यही बनाते हैं, और उसके साथ बालूशाही जिसमें मलाई ऊपर लगाई हुई है। क्या बात है। और ऑफ कोर्स ये खाने के साथ ब्रेड्स और हेवी होनी चाहिए, तो कुछ कुलचे, कुछ नान, और उसके साथ कुछ लच्छे हो जाए रुमाली के साथ। वाह, सुपर्ब। एंजॉय योर मील। थैंक यू सो मच। थैंक यू शेफ। थैंक यू। बहुत खूबसूरत सेटिंग, चिड़ियों की आवाजें, शाम ढल गई है, रात होने को है, और ऐसा लजीज खाना खूबसूरती से सामने प्रेजेंट किया गया है शेफ द्वारा। तो खासियत इन जगहों की यह है कि हिस्टोरिकल जो कनेक्शंस थे खाने के, उनको री इंट्रोड्यूस करके, रिसर्च करके, रिप्रोड्यूस करके फिर से लाया जाता है। और जो फ्लेवर्स हैं वो बहुत यूनिक हैं, और शाही फ्लेवर्स हैं, तो ये आपको शायद बाहर ज़्यादा जगहों पर नहीं मिलेंगे। जैसे कि ये मटन बेली राम जो है, बहुत खास डिश जो शेफ बोल रहे थे उनकी फेवरेट है। वाओ। स्पाइसी है, पंजाब के पैलेट की तरह बहुत ज़्यादा फ्लेवर इसमें, क्योंकि चिलीज को जो स्मोक किया गया है वो। जो बटर चिकन है ये ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल डिश नहीं है, दिल्ली की इन्वेंटेड डिश है, लेकिन खाना तो इसको ज़रूर बनता है। पनीर खुरचन मेरी एक बड़ी फेवरेट डिश है, जो मैं कई सालों से बहुत पसंद करता हूँ, और ये जो खास पनीर है बहुत टाइम तक बनाया गया पनीर, इसके अंदर खूब फ्रेश हरी मिर्ची का एक फ्लेवर, धनिया का एक फ्लेवर, जो ये पिकअप करता है खूबसूरती के साथ। और कड़ी को आप अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि कड़ी पकौड़ा जो है एक पंजाबी फेवरेट है कई जनरेशन से, और ये बहुत ही सुंदर कड़ी पकौड़ा। अमृतसर में बढ़िया पकौड़े वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं, वहाँ पर आपको ले कर चलेंगे। ओ माई गॉड सो गुड। पंजाब का जो दूध दही लस्सी होती है बहुत खास होती है, तो कड़ी बहुत अच्छी बनती है पंजाब में यहाँ पर। और एक मेरा फेवरेट चीज़, साग मीट, ये आमतौर पर आपको हर जगह नहीं मिलेगा, थोड़ा सा रेयर है, एल्बियट कॉमन इनफ, लेकिन साग मीट की खासियत ये है कि बहुत ध्यान रखना पड़ता है आपको कि किस लेवल तक आप उसे पकाएं,
बहुत ज़्यादा पक गया तो बेकार हो जाता है, और अगर कम पक गया तो मीट टफ रह जाता है। तो चैलेंजिंग डिश है। ओह ये देखिए, मटन के रेशे कितनी आसानी से अलग हो रहे हैं। जस्ट हैव टू पुल इट स्लाइटली। रेलगाड़ी की आवाज़, खूबसूरत नज़ारा, इनक्रेडिबल फूड। ऐसे एक्सपीरियंस आपको नीमराना के कई होटल से मिल जाएंगे, लेकिन बरादरी पैलेस का ये डिनर और ये सेटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। नोट करके रख लीजिए, फिर मत कह रहा मैंने आपको बेस्ट जगहों के बारे में बताया नहीं। इन्जॉय।